आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे लोगों को देखने वाले हैं जो कि अपने स्किल और एक्सपीरियंस के बलबूते कुछ ऐसे तरीके से खाना बनाते हैं कि वे मशीनों को भी पीछे छोड़ देते हैं। इन लोगों के खाना तैयार करने के तरीके बहुत ही अलग अलग और बहुत ही सेटिस्फाइंग है, जो कि इन लोगों ने बहुत ही हार्डवर्क और बहुत ही क्रिएटिविटी से सीखे हैं। तो फिर चलो देखते हैं इन लोगों के हार्डवर्क और क्रिएटिविटी के अलग अलग कामों को। सबसे पहले इस व्यक्ति को देखिए, यह कैसे इस चाकू की मदद से इस मैदे के आटे से डिजाइन बना रहा है। यह व्यक्ति मैदे की रोटी पर सब्जी डालकर उसके डिजाइन बना रहा है। और देखो कैसे इस मैदे की रोटी से बिल्कुल फूल जैसा डिजाइन बना दिया गया है। यह एक फ्रेंचाइज डिश है जिसको कि फ्रेंच के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। यह लड़की तो चॉकलेट और क्रीम से कार्टून को ही बना देती है। सबसे पहले तो यह क्रीम को इस बॉक्स में डालकर कार्टून की लाइनिंग करती है और फिर उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की क्रीम को फिल कर देती है। और ये देखो चॉकलेट का बना दिया गया है डोरेमोन। आटे की घोल की नालियां बनाकर उनको तेल में फ्राई किया जा रहा है। यह व्यक्ति बहुत सारे मैदे की लेयर्स को स्टील की मदद से एक ही बारी में गोल शेप में काट देता है। अभी देखना यह व्यक्ति छोटे से भटूरे पर तेल दाल डालकर इसको बहुत ही बड़ा और बहुत ही पतला बना देगा। यह व्यक्ति तेल में फ्राई करने वाली झारने के ऊपर आटे के गोल से डिजाइन बना देता है और उसके बाद इस झारने को उबलते हुए तेल में डिप कर देता है, जिससे कि यह बना हुआ डिजाइन तेल में पक कर खाने लायक बन जाता है। यह वर्कर आटे से बनी बहुत ही बड़ी लेयर को टेबल पर बिछाती है और उसके बाद एक टूल की मदद से इस आटे की लेयर से बहुत सारे पीसेस को कट कर देती है। इस वर्कर को देखो, यह एक ही बारी में कितने सारे खाने को बहुत ही तेज गति से आग में पका रहा है। यह एक बहुत ही अनोखे तरीके का फ्रूट है जिसमें दूध को मिलाकर इसके बहुत ही मीठी मीठी बर्फी बना दी जाती है। इस वर्कर के डोसा तैयार करने का तरीका तो बहुत ही अनोखा है। देखो कैसे यह एक कड़छी की मदद से बेसन के आटे को इस गोल गोल घूमते हुए तवे पर डाल रही है और तवे पर एक बहुत ही अच्छा और बारीक सा डोसा बनता जा रहा है। बहुत सारे चिप्स को एक ही बारी में कढ़ाई में डालकर तल दिया जाता है। मैदे को बेलन से फैलाकर उसके गोल गोल स्प्रिंग जैसा खाद्य पदार्थ बना दिया जाता है। मैदे की बहुत ही पतली लेयर को एक डंडे के ऊपर फोल्ड कर लिया जाता है और फिर उस फोल्ड की हुई लेयर से बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। इस वर्कर की टेक्निक को देखकर तो आप बहुत ही हैरान होने वाले हो, कैसे यह बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सुंदर खाद्य पदार्थ तैयार करता है।
ये देखो बिल्कुल रबड़ जैसा मुलायम मैदे का आटा बना दिया गया है। और अब इस आटे से बनने वाली है बहुत ही शानदार डिश। यह व्यक्ति भी अपनी स्किल से बहुत ही अनोखे तरीके के खाने को तैयार करता है। यह व्यक्ति तो अपने काम में बहुत ही माहिर है। कैसे यह चीनी से पतले पतले व मीठे मीठे बालों को बना देता है और फिर उनमें अपनी स्किल से डिजाइन बनाकर उनको बहुत ही सुंदर रूप दे देता है। इन बहुत सारे छोटी व मोटी आटे की लेयर्स को यह वर्कर प्रेस कर करके बिल्कुल पतली बना देता है। यह व्यक्ति अपनी स्किल व अनुभव से इस खाने में बहुत ही सुंदर डिजाइन बना देता है। इस मशीन में आलू को डालकर उनके स्लाइसेस काटे जाते हैं। यह व्यक्ति इस मशीन में इस आलू को रख देता है और उनके बहुत सारे स्लाइसेस काट दिए जाते हैं। क्या आपने पहले कभी केक को बनते हुए देखा है? अगर नहीं तो अभी देख लीजिए ना। यह व्यक्ति सबसे पहले तो इन पेस्ट्रीज के चारों तरफ क्रीम को लगाता है और फिर इस क्रीम को इन पेस्ट्रीज के ऊपर भी डाल देता है। खाने की बहुत सारी बर्फियां एक ही बारी में कुछ इस प्रकार बनाई जाती हैं। ये देखो कैसे यह वर्कर छोटे से फूड को लंबा करके तेल में तल रही है। खाने के बहुत सारे रोल्स कुछ इस प्रकार बना दिए जाते हैं। क्रीम को इस बोतल में डाल दिया जाता है, उसके बाद इस बोतल के द्वारा पूरे तवे पर क्रीम से डिजाइन बना दिए जाते हैं और फिर तैयार हो जाती है एक अनोखे तरीके की डिश। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड भाई को सपोर्ट करने के लिए वैसे शानदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना।